आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, वर्गी सब टैक्सोन वर्गीकरण में किसी भी रैंक के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, मतलब ये बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, जब हम वर्गीकरण की बात करेंगे, वर्गीकरण मतलब जीवों को सही तरीके व्यवस्थानुसार वर्गीकृत मतलब व्यवस्था अनुसार वर्गीकृत करना। और जब हम वर्गीकरण जानते हैं किस किस आधार पर करते हैं, तो वर्गीकरण का जो क्रम आता है, सबसे पहले वर्गीकरण में आता है जगत, उसके बाद आएगा संघ, इसके बाद आएगा वर्ग, इसके बाद आएगा ऑर्डर यानी कि गण, इसके बाद आएगा फैमिली यानी कि कुल, फिर आएगा वंश, और सबसे आखिरी में आता है जाति। इन सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे, ये सभी किस में आते हैं, वर्गीकरण में। और जब इसके प्रत्येक एक एक की बात करेंगे, एक एक यूनिट की बात करेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, टैक्सोन। इसको भी क्या बोलेंगे, टैक्सोन। मतलब जब एक की बात करेंगे, सिंगल अकेले एक की, तो सबको क्या बोलेंगे, टैक्सोन। गण को भी क्या बोलेंगे, टैक्सोन। इसको भी क्या बोलेंगे, टैक्सोन। इसको भी क्या बोलेंगे, टैक्सोन। जाति को भी क्या बोलेंगे, टैक्सोन। जब एक अकेले की बात करेंगे, तो मतलब किसी को भी यहाँ पे जब अकेले की बात करेंगे प्रत्येक की, तो प्रत्येक यहाँ पे एक क्या हो गया, एक टैक्सोन। इसका मतलब जो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, वर्गीकी शब्द टैक्सोन वर्गीकरण में किसी भी रैंक के लिए, रैंक मतलब यहाँ पर जो शब्द दिए हुए, किसी भी रैंक के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब ये कथन सत्य है, क्योंकि टैक्सोन हम इन इन सब में से प्रत्येक के लिए, मतलब किसी के लिए भी टैक्सोन वर्ड, टैक्सोन जो शब्द है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो कथन दिया हुआ वो कैसा है, सही यानी कि सत्य है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।